आज मैं टमाटो की चटनी बनाने जा रहा हूँ, जो साउथ इंडियन में यूज होता है। उसके लिए मैंने ये 5 पीस टमाटर ले लिया है और 1 पीस प्याज ले लिया है और ये हमारा 1 कली अदरक है, ये 5 पीस लाल मिर्चा है और ये हमारा लहसुन है। अब इसको हम सबको एक साथ काट के हम इसको चढ़ा देंगे उबालने के लिए। ये हमने काटा टमाटर और सबको हम एक साथ उबाल लेंगे। उसके बाद उबालने के बाद हल्का सा मिक्सी में पीस लेंगे, फिर हम तड़का लगाएंगे इसमें, जो कि साउथ इंडियन की जो टमाटो चटनी होता है वह आज मैं बनाने जा रहा हूँ। तो बहुत ही टेस्टी होता है, हल्का सा स्पाइसी रहता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी घर पे बनाइए, ट्राई करिए और उस चटनी का आनंद लीजिए। इसके लिए मैंने टमाटर काट दिया, अब मैं इसमें प्याज डाल देता हूँ, जो 1 प्याज था मेरा। इसको उबालना है तो आप मोटा मोटा ही काट के डाल दीजिए, इसीलिए कि इसको मैं पानी डाल के पकाना है। अब ये मेरा अदरक है, और लास्ट में हम इसमें करी पत्ता और राय से तड़का लगाएंगे। साउथ इंडियन के कोई भी डिश हो या कोई भी चटनी हो, कोई भी आइटम हो, तो उसमें करी पत्ता बहुत ही ज़रूरी होता है, से साउथ इंडियन के असली फ्लेवर आते हैं, उसमें टेस्ट आते हैं। ये मैंने अदरक डाल दिया, ये सूखा लाल मिर्च है जो थोड़ा तीखा करेगा उसको, और ये मेरा लहसुन है, ये सब मैंने डाल के अब इसको हम पानी डाल के, और ये मैंने भट्टी चलाया और ये हम उबालने के लिए चढ़ा दिया। अब इसको हम ढक्कन लगा के और पकाने तक, जैसे 10 मिनट तक पका लेंगे, उसके बाद हम इसको फिर आपको बताते हैं आगे क्या करोगे। तो ये मेरा टमाटर पक गया होगा, हम ये देख रहे हैं, ये देखिए अच्छे तरह ये पक गया है। ये ढक्कन खोल दिया मैंने, इसको हम थोड़ा सा पानी को चला लेंगे, थोड़ा पानी चला के, और नमक हम आप इसमें अभी भी डाल सकते हैं या तो फिर बाद में मिला सकते हैं। तो हम अभी इसी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जो चटनी में जितना भरना चाहिए। ये मैंने नमक डाल दिया, देखिए थोड़ा सा और गाढ़ा कर ले, चटनी बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसको पीसने जा रहे हैं। अब ये हमने मिक्सी में डाल दिया और पीस लेते हैं, पीसना भी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए ये हमारा हो गया है, अब इसको हम खाली कर लेते हैं। खाली करने के बाद इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में। ये हमारी चटनी पीस गई है, अब इसको हम बंद कर दिए, अब हम इसको खाली कर लेते हैं। ये हमने इसमें खाली कर लिया। सिंपल तरीका चटनी बनाने का है, आप ये चटनी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, कोई स्नैक्स बनाते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं, और साउथ इंडियन में जो है डोसा, इडली, सांभर वड़ा सब के साथ ये चटनी चलता है। अब इसमें हम थोड़ा सा राय से तड़का मारते हैं।
तेल डाला और चटनी में तड़का मारने के लिए थोड़ा सा सरसों ले लेंगे। ये मैंने सरसों लिया, तेल हमारा गर्म हो गया, हमने ये सरसों डाल दिया और हमने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया। ये हमारा ये हम तड़का इसमें डाल देते हैं। देखिए ये हमने तड़का डाल दिए, ये हमारी चटनी जो है तैयार है। ये देखिए हमारी चटनी, ये हमारी चटनी तैयार है, टमाटो की चटनी। अब इसको हम ये हमारी टमाटो चटनी तैयार है बिल्कुल।